हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोफेसर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपनी टैली प्राइम में स्टॉक यूनिट और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही में हम सीखेंगे कि जो भी स्टॉक आइटम या स्टॉक यूनिट क्रिएट करेंगे उनके जब अंडर्स पूछते हैं तो वहाँ पर हमें क्या डालना होता है और कैसे डिफाइन करना है क्या चीज़ कहाँ पर डालनी है। चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे इस तरीके की वीडियो आप टाइम टू टाइम देख सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लेआउट नज़र आएगा जहाँ पे अभी आप होंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली का मतलब ये है, आपने टैली पूरी तरह से ओपन कर रखी है और आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आ रही है, आपके सामने ये लेआउट नज़र आ रहा है। जैसे गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन मिलेगा पहला, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट का मतलब होता है एक नई चीज़ बनाना, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स, जिसमें होगा ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, फिर आता है इन्वेंट्री मास्टर्स, इसी में आपको आना है। और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है, स्टॉक कैटेगरी लिखा है और स्टॉक आइटम एंड स्टॉक यूनिट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टॉक आइटम बनाने से पहले स्टॉक यूनिट बनाएंगे। स्टॉक यूनिट इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो भी स्टॉक परचेज करेंगे मार्केट से उसकी कोई ना कोई एक यूनिट डिफाइन करनी होती है। यूनिट डिफाइन करने का मतलब यह है, बाय द वे आप मार्केट में जाते हो और वहाँ से चेयर खरीदते हो तो चेयर को हम लोग केजी में नहीं लेंगे, क्विंटल में नहीं लेंगे, उसको हम पीस के हिसाब से लेते हैं कि हमें दो पीस चेयर चाहिए, चार पीस चेयर चाहिए, तो ये एक पीस क्या है कि यूनिट है। ऐसे मार्केट से हम बोतल परचेज करेंगे तो बोतल क्या है, हमारी एक यूनिट है। मार्केट से ऑयल परचेज करेंगे तो उसके लिए हम केजी या बोतल यूज करेंगे। तो ये सारी यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पर सीखना होगा। तो सबसे पहले आके यूनिट पर आप एंटर कर लेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इस तरीके से लेआउट नज़र आएगा। सबसे पहले लिखा होगा टाइप, टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है अभी फिलहाल, आपको सिंपल ही रखना है। फिर नीचे देखेंगे यहाँ पे सिंबल पूछेगा, तो आपको सिंबल में शॉर्ट नेम देना है जिस चीज़ का आप यूनिट क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे हम पीसेस का बनाएंगे तो पीसीएस शॉर्ट में लिख देते हैं। एंटर करेंगे यहाँ पर फॉर्मल नेम पूछेगा, तो यहाँ पर फॉर्मल नेम में हम फुल नेम उसका डाल देंगे, जैसे मैंने लिख दिया पीसेस। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर एंटर की यूज करके। आपका ये एक स्टॉक यूनिट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद ऐसे आप नेक्स्ट बना लेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिख लेते हैं केजी, फुल नेम लिख लेंगे यहाँ पे किलोग्राम। इतना करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप कितने भी यूनिट क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल मैं दो ही क्रिएट करके बताता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद फिर से क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से इन्वेंटरी मास्टर्स में आएंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा स्टॉक आइटम, आके स्टॉक आइटम पे एंटर कर लेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे नेम पूछेगा, तो जिस चीज़ को हम मार्केट से परचेज या सेल करेंगे उसका नेम दिखेंगे यहाँ पे। जैसे हमें चेयर सेल करनी है तो चेयर लिख देते हैं, यहाँ पे चेयर लिखा, एंटर किया। एलियास में उसका निक नेम डाल सकते हैं, चेयर को और किस नेम से जानते हैं, अगर नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर पूछेगा यहाँ पे अंडर, उसका अंडर डाल देंगे। तो अंडर तो मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो अंडर क्रिएट करने के लिए आपको ग्रुप क्रिएट करने होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आया है लिस्ट ऑफ ग्रुप। अंडर और ग्रुप एक ही चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है जो आप चेयर खरीदेंगे वो किस कैटेगरी में आती है, आपको वो कैटेगरी डिफाइन करनी होती है। तो चेयर क्या है, एक आपका फर्नीचर है। आप ग्रुप को क्रिएट करने के लिए बाहर से भी कर सकते हैं, जैसे मैं बता दूँ यहाँ पर स्टॉक ग्रुप मिलेगा आपको, यहाँ पर आके क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लिया आपने फर्नीचर और इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर वहाँ पे रहते हुए आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चेयर लिखेंगे आप और उसका निक नेम डाल देंगे, जो भी है, नहीं डालना है तो मत डालिए। फिर यहाँ पे देखेंगे फर्नीचर आ चुका है। अगर नहीं बनाया होता तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे अल्ट सी यूज करना होता, ये डायरेक्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट है। अल्ट सी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने फिर से वो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फर्नीचर लिख लेंगे। फिलहाल हमारा फर्नीचर पहले से बना हुआ है तो इस पर एंटर कर लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है। फिर यूनिट पूछेगा, यूनिट में हमने जो पहले यूनिट बनाई थी वो ले लेंगे, अगर इनमें से कोई नहीं लेनी है तो इसको भी अल्ट सी करके आप यूज कर लेंगे। तो चेयर को हम लोग लेते हैं पीसेस में, तो पीसेस सेलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया एक्सेप्ट, एंटर एंटर की यूज करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे हम, जैसे हमने यहां पे ले लिया बॉटल परचेज करनी है, वाटर बॉटल, तो मैंने यहां पे लिखा वाटर बॉटल। एलियास में कुछ नहीं डालेंगे, अंडर में डाल देंगे यहां पे। अब बॉटल तो फर्नीचर नहीं है, ये एक ड्रिंकिंग चीज है, तो हम अल्ट सी करेंगे, यहां पे एक अंडर बना लेंगे इसका ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम डालेंगे यूनिट। यूनिट में बोतल परचेज करेंगे तो इसको हम केजी में नहीं लेते हैं, पीस में ले सकते हैं, नहीं तो इसके लिए हम अलग यूनिट बोतल ही डिफाइन कर सकते हैं। अल्टी करके मैंने शॉर्ट नेम डाल दिया बोतल बोट और यहाँ पे फुल नेम डाल दिया। इतना करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
इस तरीके के आपका ये बॉटल भी क्रिएट हो गया, वाटर बॉटल, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दो स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट और अंडर्स सिखाए हैं आपको। अगर आप इनके अलावा भी कोई स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट या भी कोई अंडर यूज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से आप किसी भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आ जाता हूँ बैक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा, इस वीडियो का पर्पज क्या है, क्या सीखा है इसमें। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे प्रॉपर बने रहिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक जय हिंद फ्रेंड्स।